नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर मैं हूं अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में जहां हम देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का सेशन के अंदर विश्लेषण करते हैं आप में से बहुत से लोग ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि इतिहास भी करंट अफेयर का विषय हो सकता है क्या क्यों नहीं हो सकता आज के सेशन में चर्चा कर रहे हैं कुछ दिन पहले आपको याद होगा आर के अंदर ही हमने अपने साउथ के टेम्पल्स का जिक्र किया था तब भी इतिहास कनेक्ट हुआ था और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इतिहास जब जब सुर्खियों में रहता है करंट अफेयर का टाइटल बन जाता है तो आज हम जो चर्चा में कर रहे हैं वो चर्चा इस दृश्य को देखकर आपके दिमाग में आ ही गई होगी क्या आपको ये दृश्य देखकर कुछ याद आ रहा है कुछ पुरानी तस्वीरें दिमाग में कुछ पढ़ा हुआ याद आ रहा है देख लीजिए एक डोम जैसी जगह बनी हुई है जो कि थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से ऊंची है बाकी चीज़ें नीची हैं और अगर आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं तो आपको यह जगह ध्यान होगी कि इसे साइटेडल कहा जाता है अगर ध्यान आ जाए तो बढ़िया है जो समझदार समझ पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री से कनेक्शन में है वो याद करके बताएं अच्छा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ईंट भट्टे की सी जो जगह दिखाई दे रही है ये ब्रिक्स से बने हुए कुछ टूटे हुए घर से दिखाई दे रहे हैं खंडर दिखाई दे रहे हैं कुछ याद आ रहा है और अगर ध्यान आ जाए तो फिर आज के सेशन की शुरुआत हो जाएगी चलिए जिन्हें इससे ध्यान आ गया अच्छी बात है नहीं ध्यान आया तो मैं कुछ आपको इमेज दिखाता हूं ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि ये जो जगह आपको दिख रही है ये कुछ शुरुआत में ऐसी होती होगी चर्चा कर रहे हैं साथियों इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब आप पूछेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की करंट अफेयर से क्या रिलेशन है और जो बिल्कुल नहीं जानते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है इसका मतलब यह है कि उन्होंने अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी में है और आपकी तैयारी की है ये यानी आपको पता होना चाहिए कि इंसानी सभ्यता का भारत में या भारतीय क्षेत्र में जो हमारा कॉन्टिनेंट है इसके अंदर जो सबसे पहला प्रमाण है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है कि इंसान हुआ करता था लेकिन अचानक गायब हो गया आप और हमें बड़ी क्यूरोसिटी होती है ना कि आखिरी बार हमारे अवशेष कहां मिले हम कहां से आ रहे हैं हर व्यक्ति में जानने का जिक्र होता है ना कि हम किसके वंशज हैं हमारे देश के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी ही वंशावली है जिसे जानने का असल क्रेज इसलिए है कि हम पहले क्या माना करते थे कितने साल पुरानी है कहते हैं कि आज का जो समय चल रहा है यानी कि जब ईसा नहीं रहे ईसा के बाद का समय है एडी वाला समय है 2024 में आप चल रहे हैं लेकिन क्राइस्ट से पहले का बिफोर क्राइस्ट वाला जो समय है बीसी वाला जो समय है उसमें भी अगर कम से कम 1700 साल पहले अगर निकल जाएं यानी कि आज से लगभग 3700 साल पहले चले जाएं उस समय कुछ इस प्रकार की सभ्यता हुआ करती थी कुछ इस प्रकार का शहर हुआ करता था यह शहर एक जगह नहीं कई जगह था मोहनजोदाड़ो उनमें से एक था हड़प्पा था धोलावीरा था लोथल था ऐसे ही शहरों की आज हम चर्चा कर रहे हैं जो कि लगभग साढ़े तीन हजार साल पहले खत्म हो गए आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये खत्म क्यों हुए ये आज तक बड़ी क्यूरियस बात है कि आफ्टर ऑल एक सभ्यता जिसके प्रमाण मिलते हैं व्यवस्थित शहर मिलता है बढ़िया से ग्रीनरी मिलती है नहाने के स्विमिंग पूल मिलते हैं बढ़िया व्यवस्थित सड़कें मिलती हैं सब कुछ व्यवस्थित मिलता है लेकिन अचानक कैसे खत्म हुआ होगा यह जिज्ञासा इंसान के मन में बनी रहती है सोचो सैतीस सो साल पहले खत्म हो गई होगी तो उससे पहले कब से चली आ रही होगी इस पर विचारकों का मत है कि लगभग सात हजार साल पहले से चली आ रही होगी ऐसा मानते हैं इतिहासकार लेकिन हम तो यह कह रहे हैं जी आप 3700 सौ से साढ़े चार हजार पांच हजार साल पुरानी सभ्यता भी अगर मानकर चलो तो भी अचानक सैंतीस सौ साल पहले ऐसा क्या हुआ कि कोई सभ्यता गायब हो गई इसे लेकर तमाम प्रकार के मतलब कयास लगाए जाते हैं दावे किए जाते हैं कि एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन गायब हो गई थी आज की खबर चर्चा में क्यों है क्योंकि एक मतलब कहिए कि वैज्ञानिक कहिए या थ्योरिस्ट कहिए जो थ्योरी दे रहे हैं उन्होंने अपनी तरफ से एक थ्योरी दी है कि मोहन जोदाड़ो असल मायने में परमाणु धमाके से खत्म हुई थी अब यह बात सुनने के बाद आपके मन में क्यूरोसिटी जगह कि यार कैसे पॉसिबल है उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास था अच्छा और न्यूक्लियर बॉम्ब तो बाद में अब जाकर के अमेरिका वालों ने बनाया सबसे पहले उसके बाद दुनिया में होड़ मची सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लगभग साढ़े तीन हजार साल पहले अगर किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था तो ये तो अपने आप में बड़ी चिंता की बात है ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है क्योंकि इनके दावे के पीछे एक थ्योरिस्ट हैं जो कि अमेरिका के हैं उनका कहना है कि जो भी डेड बॉडी मिलती हैं जो स्केलेटन वहां से प्राप्त हो रहे हैं साढ़े तीन हजार साल पुराने जो स्केलेटन हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई जा रही है रेडियो एक्टिविटी रेडियो धर्मिता अगर याद हो तो किसी भी न्यूक्लिक मटेरियल के अंदर यानी कि जो नाभिकीय सक्रिय मटेरियल हैं फिजाइल मटेरियल्स हैं उनमें अल्फा बीटा गामा प्रकार की विकिरणें निकलती हैं जिससे यह अंदाजा लगता है कि यह कितने साल पुराना है और उसके बारे में पता चलता है कि कितना रेडियो एक्टिव है तो बोले उन डेड बॉडीज से आज भी रेडियो एक्टिविटी बाहर निकल रही है और प्रमाण यह है कि वो जो रेडियो एक्टिविटी है उसके चलते पशु कोई भी जानवर उन डेड बॉडीज को कंज्यूम नहीं किया ये इनका तर्क है तो भाई साहब एक नई थ्योरी निकल कर आ गई है अब तक तमाम इवन ऋतिक रोशन की एक फिल्म भी है अगर आपने मधुर देखी हो तो उसमें आ, क्या बोलते मोहन जोदाड़ो नाम से ही है जिसमें कारण दिया गया है कि हो सकता है कि वो सभ्यता मोहन जोदाड़ो के नाम से ही है कि वो सभ्यता इंडस नदी के अंदर आई हुई बाढ़ से खत्म हुई होगी अलग अलग कयास है कि अचानक क्यों सभ्यता खत्म हुई उसमें आज एक नई थ्योरी जुड़ गई है कि परमाणु धमाका हुआ होगा कैसे हुआ होगा नहीं पता लेकिन रेडियो एक्टिविटी इनके तर्क में एंट्री कर जाती है खैर जो भी है इस बहाने हम थोड़ा सा इतिहास रिवाइज कर लेते हैं कहां पर है कैसे है क्या थ्योरीज हैं सारी बातों की चर्चा कर लेते हैं ठीक है वैज्ञानिकों का क्लेम है कि जो स्कलेट यहां से मिल रहे हैं जो चार साल पुराने हैं उनमें रेडियो एक्टिविटी पाई जा रही है दैट मीन उस समय किसी ने न्यूक्लियर बम का उपयोग किया होगा डन चलिए तो अब हम शुरू करते हैं कहां है इंडस वैली सिविलाइजेशन इस बहाने क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोग भी अपने अपने नोट्स रिवाइज कर लेना जो कंटेंट मैं यहां दे रहा हूं अपनी पाठशाला डॉट कॉम जो हमारी वेबसाइट है वहां मिल जाएगा वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्राप्त भी हो जाएगा

इंडिया कहा करते थे ठीक है साहब चलिए तो आप यही कारण है कि सिंधु और हिंदू शब्द निकल कर आया एनी anyway, वे तो ये जो इंडस रिवर है और ये हमेशा सब इस इंसानी सभ्यता का प्रमाण रहा है कि नदी यहां जहां पानी है जहां अनाज उगने की संभावनाएं हैं वहां पर इंसानी सभ्यता निवास करती है आज भी उठाकर अगर आप देखें तो भारत के जितने भी प्रमुख बड़े शहर हैं वो सभी या तो जल के कोई सोर्स के नजदीक हैं या रिवर के नजदीक हैं चाहे आप उठाकर गंगा नदी के किनारे बसे हुए सारे शहरों को उठाकर देख लें चाहे आप दिल्ली देख लें चाहे बनारस देख लें आप कोई सा भी लखनऊ कर देख लें पटना उठाकर देख लें कोलकाता उठाकर देख लें मुंबई उठाकर चेन्नई या तो ये के किनारे हैं या नदियों के किनारे हैं हर शहर किसी ना किसी जल सोर्स के किनारे स्थित है क्योंकि मानव सभ्यता सब की सबसे बड़ी जरूरतों में पानी हमेशा रहा है पानी के साथ साथ जमीन की फर्टिलिटी क्योंकि पानी है तो जमीन उपजाऊ है जमीन उपजाऊ का उपयोग करके ऐसा नहीं है कि पानी है तो जमीन उपजाऊ होगी ही ऐसा नाइल रिवर के केस में आप कह सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी एक बार के लिए मानकर चले कि पानी का उपयोग करके खेती करने का अगर प्रयास किया जाए तो फर्टाइल लैंड दूसरा बड़ा

तो ऐसे ही इंडस रिवर की जो सहायक नदियां थी उनके समय उनके पास में उस समय पर आज से साढ़े तीन हजार साल पहले तो विलुप्त हो गई आप लेके चलिए पांच हजार साल पहले इन नदियों में पानी भी बहुत रहा होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे नदियां सूखती जा रही हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं दुनिया का तापमान बढ़ रहा है तापमान बढ़ रहे हैं तो नदियों के पानी अंदर घट रहे हैं ऐसी स्थिति में क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलने लग गए ना तो अभी तो लेवल बढ़ रहा है लेकिन सूखा भी पड़ने लगा है उस समय हो सकता है कि पानी बहुत रहा होगा तो उस समय पानी के वजह से जो धारा प्रवाह है मतलब जो नदी का प्रवाह है वो भी हो सकता है क्योंकि नदियां अपना स्थान बदलती रहती हैं बहने का स्थान चेंज करती रहती हैं तट छोड़ती रहती हैं नदियां तो हो सकता है कि कभी कहाँ रहा हो उससे थोड़ा दूर आगे स के चला गया हो जैसे हाल ही में मैंने इजिप्ट के बारे में आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी आर में अगर याद हो कि मैंने कहा था कि इजिप्ट के अंदर वो जो स्तूप बने हुए हैं वो सब बने कहां हैं तो बोले वो नाइल रिवर के किनारे बने हुए थे लेकिन बाद में रिवर रिवर वहां से शिफ्ट हो गई ठीक है है खैर फिलहाल के 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 लिए इंडस सिविलाइजेशन बारे में में भी यही कहा जा रहा है कि इस आसपास बड़ी मात्रा सभ्यता का विकास हुआ इनमें से अगर आप ध्यान से देखें तो हड़प्पा जो है वो बैठा विकसित हुआ आपके रावी नदी के तट पर मोहन जोदाड़ो विकसित हुआ इंडस रिवर के तट पर ठीक है अब हम ये जानकारी क्यों विकसित ले रहे हैं क्योंकि आज की चर्चा में मोहन जोदाड़ो है लेकिन आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनता है सर किसी को कैसे पता चला कि आ, कि यहां पर कोई शहर है मतलब कोई घूमने गया और भूतिया जगह दिख गई थी क्या जैसे कभी आप हमारे राजस्थान पधारे और राजस्थान में, में मेरे शहर अलवर पधारे तो वहां पर एक जगह है अजबगढ़ भानगढ़ आप अजबगढ़ भानगढ़ जाएंगे तो बड़ा ही खंडर सा शहर है डरावना शहर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर पोस्टर लगा रखा है कि ये हॉन्टेड प्लेस है भयावक शहर है टूटा हुआ जगह है एकदम वहां लोग जाते हैं और उसकी हॉन्टेडनेस को फील करने का प्रयास करते हैं खैर कोई नहीं जी फिलहाल के लिए हम अपने केस में अगर बात करें तो जब मोहन जुदाड़ो की चर्चा होती है तो दिमाग में प्रश्न बनता है कि क्या ये भी खंडर की तरह से किसी को दिख गया था क्या या खुदाई करके निकाला गया है? और खुदाई करके निकाला गया तो क्यों निकाला गया है ये दिमाग में क्यों आने लगती है तो कहा जाता है कि जब देश में अंग्रेजों का शासन हुआ अंग्रेजों का शासन हुआ अंग्रेज हमारे देश में रहे अट्ठारह की क्रांति हुई 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल के माध्यम से हम पर शासन करती थी तो गवर्नर जनरल से शासन ब्रिटेन की महारानी ने छीनकर अपने पास ले लिया यानी अट्ठारह से ही हम लोग डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में चले गए पहले हम कंपनी के अंडर में होते थे फिर उसके बाद हम ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में हो गए और वायसराय की जगह देश में आकर बैठ गया गवर्नर सॉरी गवर्नर जनरल की जगह हमारे देश में आकर बैठ गया वायसराय ठीक है साहब चलो यहां तक समझ में आया अब महारानी जी के कब्जे में चीजें चली गई तो देश के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया उसी क्रम में सबसे पहले देश में स्थापित हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि यह तलाशा जाए कि इंडिया का असल ऑरिजिन क्या है भाई ये क्षेत्र अगर बसा है तो यहां पर बुद्धिज्म के बहुत प्रमाण मिलते हैं तो चलिए तलाशते कि बुद्धिज्म और कहां कहां तक फैला हुआ था इंडिया के इतिहास में इस काम को सौंपने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की और अलेक्जेंडर कनिंगम को जो कि एक ब्रिटिश फौज के अफसर थे उनको इसका अध्यक्ष बनाकर भेज दिया डायरेक्टर बनाकर भेज दिया कि साहब आप जाइए और इंडिया का इतिहास खोजिए यह जानना उनके लिए क्यों जरूरी था उनके लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि इंडियंस को किस तरह से उनकी थॉट प्रोसेस को परिवर्तित करने में इतिहास का उपयोग किया जाए क्योंकि अगर आपको कोई तार्किकता के साथ ये कहे कि तुम्हारे पूर्वज यार कचरा बीनते थे भाई तुम्हारे पूर्वज तो है ना गंदगी उठाते थे यार तो आपको लगेगा कि यार मेरे पूर्वजों ने ऐसा क्यों किया और तुम्हारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे क्यों थे एक मन में हीनता का भाव पैदा करने के लिए उनको पुरानी चीजें याद दिलाई जाए तो इन्होंने इंटेंशनली ये चाहने का प्रयास किया कि इनके पूर्वजों पर टिप्पणी करेंगे तो ये अपने आप हमसे सुप्रीमेसी के मामले में डरे हुए फील करेंगे उसको वो कहते भी थे व्हाइट मैं बर्डन की हमको तो ईश्वर ने भेजा है आप लोगों को सभ्य करने के लिए और हम इतिहास खोज खोज कर बताएंगे कि देखो तुम लोग कितने बकवास हुआ करते थे तुम लोग तो सपेरे थे तुम लोग तो बस सांप नचाया करते थे और कोई बात नहीं साहब हम लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा इन लोगों ने विकसित की चलो कोई बात नहीं जिज्ञासा में ये लोग खुदाई खुदाई करने निकले कनिंगम को भारत के बारे में कोई जानकारी थी नहीं ज्यादा तो उसको एक व्यक्ति की किताब पढ़ने का मौका मिला जिसका नाम मेसन था अब ये मेसन कौन था ये असल में एक ब्रिटिश सिपाही हुआ करता था 1827 में मेसन जैसे कुछ कलाकार नहीं होते हैं जैसे कोई सेना में है कोई पुलिस में है कोई टीचर है कोई कुछ भी है उनको कुछ लिखने का कुछ घूमने का सोलो ट्रेवल करने का शौक होता है तो ऐसे मेसन को घूमने का शौक था तो वो देश भर की चीजों को उठता हुआ लिखता हुआ सिक्के बीनता हुआ घूमता था सिक्के बीनने में उसको इतना इंटरेस्ट था इंडिया के क्षेत्र में कि उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी पंजाब में कई ऐसी जगह पर वो गया जहाँ से उसे ऐसे विचित्र प्रकार के सिक्के मिले कुछ ऐसी चीजें मिली जिनको लेकर वो अपनी किताब में लिखता चला गया देखिए आप और हम किताब पढ़ने की आदत नहीं जा रखते लेकिन अंग्रेजों के बारे में एक विशेषता जो आपको सीखनी चाहिए मतलब मैं खुद भी सेल्फ मोटिवेट होने का कई बार प्रयास करता हूँ इस चीज़ से आप और हमारी जिंदगी में तो केवल जरूरत भर की किताबें पढ़ लें तो ही हमारा जीवन सफल बनता है ये लोग इंटरेस्ट के तहत किताबें पढ़ते भी हैं किताबें लिखते भी हैं मतलब जो भी व्यक्ति है वो ये नहीं सोचता कि मैं आई बनूंगा तो ही किताब लिखूंगा या मैं राजनेता बनूंगा या आरबीआई का गवर्नर बनूंगा तो ही मैं किताब लिखूंगा ये वो लोग हैं जो अपने अनुभव लिख ले करके चले जाते हैं भाई ठीक है मेरे जाने के बाद अगर किसी को रिलेवेंट लगे तो देख लेना ऐसे ही इस जेम्स लुइस नाम के व्यक्ति को जिसे कि चार्ल्स मेसन के नाम से भी जाना जाता है इसने भारत में जगह जगह घूम करके कुछ ऐसी चीजें कलेक्ट की और कलेक्ट करके उसने अपनी एक पुस्तक लिख दी एक डायरी लिख दी डायरी लिखकर इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती रहे उसने आसपास के जो क्षेत्र थे अफगानिस्तान पंजाब इन सब क्षेत्रों को घूमा और अपने अनुभव लिखे मेसन की किताब को कनिंगम ने पढ़ा आप विचार कीजिए मेसन ने देश में घूम करके जानकारी जुटाई जानकारी में उसे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनमें से हड़प्पा का की हड़प्पा का हड़प्पा का भी उसको अवशेष मिला वो तलाश ने तो बुद्धिज्म गया था लेकिन उसको यहां पर अवशेष मिले तो उसने कहा कि यार चलो और खोजते हैं जानकारी को उसने पुस्तक में लिखा कुछ तस्वीरें मार्केट में उपलब्ध भी हैं कि किसन ने इस प्रकार से रूप लेकर के दुनिया घूमी होगी सब मेसन महाराज घूमते हुए निकले मेसन की किताब को कनिंगम ने पढ़ा कनिंगम ने पढ़ा तो उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आया कि मेसन पंजाब वाली साइड की बात कर रहा है अफगानिस्तान वाली साइड की बात कर रहा है पाकिस्तान वाली साइड की

ठीक साहब समय बीतता गया वर्ष आया 1904 का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर नए डायरेक्टर बने जॉन मार्शल जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी सहानी को काम सौंपा कि आप जाइए और हड़प्पा नामक जगह की जाकर के खुदाई करिए हड़प्पा की खुदाई करिए ये वाला टास्क उनको दे दिया गया साहब जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम सहानी जाते हैं और जाकर के हड़प्पा की खुदाई करते हैं हड़प्पा की खुदाई करते हैं और साथ में एक और व्यक्ति जिसका नाम है भंडारकर और बनर्जी उनको टास्क दिया जाता है कि आप मोहन जोदड़ो की खुदाई करिए मतलब यहां पर लगता है कि कुछ मटेरियल डला हुआ है आप जाकर खोदिए उसे ढूंढिए उसे ये जाकर के यहां पर खुदाई करने लगते हैं दोनों ही जगह जब खुदाई होने लगती है तो कुछ समानताएं मिलने लगती हैं कि यार मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों ही एक जैसी मिल रही हैं ब्रिक्स दिखाई पड़ रही हैं लग रहा है कि समकालिक हैं दोनों की बातों को इकट्ठा किया गया जॉन मार्शल ने लंदन में अपनी एक मैगजीन के माध्यम से इस बारे में जनता के सामने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमने दुनिया की एक पुरानी सभ्यता खोज निकाली है चूंकि ये उस समय इंडस रिवर के नजदीक थी इसलिए इसका नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता

अगर आप भी आज अपना घर साफ करना बंद कर दें धीरे धीरे मिट्टी का स्तर बढ़ता चला जाता है लेवल बढ़ते चले जाते हैं बहुत से घर धसते चले जाते हैं तो मिट्टी का स्तर मिट्टी के अंदर मोहन जो दारू दब गया था तो उसे खोदकर निकाला गया खुदाई चलती रही उन्नीस से यह काम शुरू हुआ उन्नीस तक चला मोहनजोदाड़ो के अंदर बहुत सारा ऐसा ऐसा स्थान मिला जिसे सोचकर आज भी आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है मतलब बोले क्या पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति इतना व्यवस्थित तरीके से कैसे रह सकता है बोले क्यों आज से साढ़े तीन हजार साल पहले भी ऐसे घर बने हुए थे जिनके आसपास प्रॉपर तरीके से दस दस फिट की चौड़ी सड़कें साथ में घरों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आज भारत सरकार अमृत मिशन जारी करके 500 शहरों के अंदर नालियां पहुंचाने का काम कर रही है आप विचार कीजिए सीवेज खोदने का काम किया गया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि भारत को अगर दो तक विकसित राष्ट्र बनना है तो 50 परसेंट से अधिक आबादी को शहरों में लाना होगा और उसके लिए 840 बिलियन डॉलर खर्च करना होगा इंडिया में तब जाके सिविलाइजेशन आएगा मतलब कि वह विकसित भारत के लक्षण या अर्बनाइजेशन आएगा विचार कीजिए कि उस दौर में मोहन जोदाड़ो जैसे जो शहर थे वो शहर जमीन की खुदाई करके इस प्रकार से विकसित हुए शहर थे कि वो लोग प्रॉपर नालियों के साथ घर बनाकर रखे हुए थे यानी उनके पास में प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम था घरों के बाहर ऐसी नालियां थी कि घर का पानी निकलेगा सेंट्रल नाली में जाएगा नालियां ढकी हुई थी फिर उन नालियों का पानी निकल करके कहीं और जाएगा आप में से कुछ लोग कहेंगे नालियों की चर्चा कर रहे हैं यह कौन सा बड़ा चमत्कार है भाई साहब आज हमारा देश आजादी के पिचहत्तर साल पूरे कर लिया तब भी भारत में मतलब आप अपने शहर में छोड़िए आप अपने शहर में कस्बे में जाके देखिएगा ऐसी बहुत सी कॉलोनियां होंगी आज भी उन्हें नाली का मतलब नहीं पता है ड्रेनेज क्यों होना चाहिए नहीं पता है सड़कों पर पानी भरा हुआ है अगर आपने भी यह वास्तविकता देखी है तो पहचानिए कि आज साढ़े साढ़े तीन हजार साल बाद भी हम इतने सभ्य नहीं है जितने वो लोग तब सभ्य थे सभ्यता नाम यू ही नहीं पड़ता है सिविलाइज्ड लोग सिविलाइज्ड इसीलिए नहीं कहलाए आज भी आपको यह बात नहीं पता है कि मेरे घर के सामने भरा हुआ यह पानी मेरी बीमारी का कारण बनेगा मैं इसकी वजह से कितना गंदगी में रहूंगा बस मेरे घर का पानी निकल जाए सड़कों पर बिखरा रहे नहीं उस शहर में प्रॉपर तरीके से घर का पानी निकला ढकी हुई नदी के न, नाली के अंदर जाकर शहर के किसी दूसरे कोने में गिरने पहुंचा है यह छोटी बात नहीं हो सकती इस बात को उन लोगों ने उस दौर में विचार कर लिया था तो यूं ही यूं ही वो लोग नहीं थे फिर आप कहेंगे इतनी सी बात, मतलब इतनी सी सी बात बात मतलब को लेकर के आप उनको सिविलाइज्ड कह रहे हैं चलिए तो बड़ी बात कर लेते हैं भारत का इतिहास तो लंबा चौड़ा पुराना आपको पता है ना साढ़े तीन हजार साल से भी ज्यादा पुराना आपको तो लगता है लेकिन ज्ञात सभ्यता में जब से आप आए हैं तब से आप विचार कीजिए कि देश में कोई भी का कोई भी राजा या कोई भी जनता मतलब कहीं भी रहे बिना पानी के और बिना भोजन के सर्वाइव नहीं कर सकता दुनिया की तीन ही तो मूलभूत आवश्यकता है ना रोटी कपड़ा मकान तो रोटी कपड़ा मकान में मकान आपको मोहनजोदड़ो में इतने जबरदस्त बने हुए दिखाई देते हैं पकी हुई ईंट से बने हुए मकान दिखाई देते हैं बात करते हैं कपड़े की कपड़ा तो खैर प्रमाण के रूप में नहीं मिला लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी मिली कुछ मूर्तियां ऐसी मिली जिसमें कि कपड़ा पहनाया हुआ दिखाया गया है जैसे कि एक पुजारी की जो मूर्ति मिली है अच्छा इसी के साथ साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज न, रोटी की बात अगर हम करें अब रोटी की कहानी को आप कैसे समझें अब आप सोचिए कोई भी इंसान है जिएगा तो खाएगा खाएगा तो खाने के लिए उसको कुछ तो चाहिए या तो वो जानवर खाएगा या फिर वो अनाज खाएगा सोचिए कि वो अनाज खाएगा तो अनाज हर दिन तो पैदा होगा नहीं सीजन में कभी एक बार पैदा होगा उस समय पर मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी या फिर कहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उस समय के लोग अनाज पैदा करना जानते थे बोले ये कौन सी बड़ी बात है तो ये तो बेसिक सी बात है अनाज पैदा करना जानते होंगे चलिए तो बड़ी बात कर लेते हैं आज अनाज पैदा होता है अनाज का भंडारण किया जाता है भंडारण करने के लिए हम लोग गोदाम बनाते हैं बड़े बड़े एफ अपने गोडाउन बनाती है सो so दैट कभी जरूरत पड़ गई तो हम गोडाउन के अंदर लेकर अनाज भरेंगे आप विचार कीजिए कि उस समय भी ग्रेनरी का कंसेप्ट हुआ करता था ग्रेनरी बोले तो पूरा शहर अनाज पैदा करेगा उसे इकट्ठा करके किसी एक जगह रखा जाएगा ताकि बारिश आने पर और ग्रेनरी को बहुत ऊंचाई पर बनाया गया ताकि बारिश आने पर उस अनाज को सुरक्षित रखा जा सके और जरूरत का अनाज निकाला जा सके सोच रहे हैं उस समय का सिविलाइजेशन है ये तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिविलाइजेशन ऐसी थी जो अत्यधिक समझदार प्रकार की थी और सुनो केवल इतना ही नहीं प्रॉपर तरीके से उन्होंने शहर के बाहर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हुई थी दीवारें इसलिए नहीं कि कोई उन पर आक्रमण कर देगा नहीं इसलिए कि कभी नदी में पानी बढ़ गया तो पानी की वजह से बाढ़ ना आ जाए आज भी अगर आप बैनालक्स कंट्री बेल्जियम नीदरलैंड लग्जमबर्ग की बात करते हैं उनमें से भी अगर नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड भी लो लैंड कंट्री है यानी समुद्र का जल स्तर नीदरलैंड के स्तर से ऊपर है समुद्र का पानी नीदरलैंड में अंदर आ सकता है इसलिए नीदरलैंड वालों ने भी दीवारें बना रखी है ताकि समुद्र का पानी अंदर ना आए और पानी अगर आ जाता है तो उसे निकाल निकाल कर बाहर फेंकते हैं जो जमीन बनकर आती है उसे पोल्डर लैंड कहते हैं नीदरलैंड में सोचिए ये लोग उस समय इतने इंटेलिजेंट थे कि दीवारें बना बना करके पानी अंदर नदी का ना है, शहर को सुरक्षित रखा हुआ था फिर भी खत्म हो गए भाई साहब जिज्ञासा इसी बात की तो है कि फिर तुम कैसे खत्म हो गए मेरे भाई तुम खेती करना जानते थे तुमको अच्छे से रहना पता था पानी की वजह से होती हुई बीमारियां पता थी तुम आराम से नदियां बनाकर नालियां बनाकर रहा करते थे अनाज सुरक्षित रखते थे पानी की बाढ़ से ना मर जाओ फिर भी तो फिर यह तो वही वाली बात हुई ना कि कोई व्यक्ति सब तरह से सुरक्षित है बढ़िया खाता है बढ़िया रहता है तनाव मुक्त रहता है बढ़िया जीवन जीता है लेकिन यार तू कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चल रहा यार इसको क्या हो गया वो अचरज आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है कि ये अचानक खत्म कैसे हो गए ठीक है ये कुछ तस्वीरें हैं जो हरप्पा की ग्रेनरी की तस्वीरें हैं कि अनाज कैसे रखा जाता होगा एआई ने इस बात को जनरेट करके देखा कि लोग कैसे रहते होंगे तो कुछ इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब यह जानकारी साझा की गई तो यह इस प्रकार का शहर बनकर आया कि लोग कुछ इस प्रकार से वहां रहते होंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेनरी थी ग्रेनरी के साथ-साथ यहां पर ग्रेट बाथ पता चला मोहनजोदड़ो के अंदर जो केवल मोहनजोदड़ो में पता चला इसमें क्या था बोले लोग बकायदा नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल का उपयोग किया करते थे अब यह भी बात अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल कैसे देखो साहब और ये केवल एक ही जगह मिला है इसका यह प्रमाण है लगभग ढाई मीटर गहरा गड्ढा खुदा हुआ है चारों तरफ से वाटर प्रूफ है यानी कि पानी अगर भर दिया जाए तो वो पानी आसपास की दीवारों में नहीं घुसेगा दीवार को पूरी तरह से वाटर लीक प्रूफ किया हुआ है प्रॉपर तरीके से स्टेप बना बना करके यहां पर लोग रहते हैं और साथ में स्टेप बनाकर जाने का रास्ता है साथ में ये जो जगह आपको दिख रही है यानी कि नहाने के बाद कपड़ा आज भी अगर आप स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो स्विमिंग पूल के बाहर दो कमरे बने होते हैं पहले आप नहाइए कपड़े चेंज करिए फिर जाकर आप पूल में एंट्री करिए भाई साहब पूल में एंट्री करने के लिए इस तरह से कमरे यहां बने हुए हैं उस समय का प्रमाण है ये तो भाई साहब निश्चित ही ये बहुत ज्यादा क्यूरियस जगह है ये नालियां बनी हुई हैं आप तस्वीरें देखें आज भी खुदाई में ये निकल कर आती है कि किस प्रकार से घरों से नालियां निकल कर गई हुई थी ये सब बातें जब थी तो आपको ये पता चल गया कि लोग वहां पर कृषि करने का कार्य मेजर कार्य करते थे बढ़िया से रहते थे तो भैया तुम खत्म कैसे हो गए और सुनो बोलते कैसे थे यार इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमाण मिले हैं उसमें किसी को भी अभी तक भाषा समझ नहीं आई है ये कि ये लोग बोलते क्या थे हां उस समय की कुछ सीलें मिली हैं यानी कि हो सकता है उनके बीच में वस्तु विनिमय का आधार कोई सील होती हो पता चला है कि मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार हुआ करता था वाया लोथल गुजरात के अंदर जो लोथल है वहां से मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया बोले तो इराक आज का इराक ठीक है ना टिग्रिस और यूफ्रिटस नदी के बीच की जो जगह है वहां से इनका व्यापार हुआ करता था व्यापार के समय कुछ सील इधर से उधर एक दूसरी सभ्यता में मिली हैं सीलों में इस तरह से जानवर का प्रमाण मिला है पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये जो भाषाएं हैं इसका क्या मतलब है किसी को नहीं पता है ये लोग इस भाषा में क्या बात करते थे रिसर्च लगातार चल रही है कि ये क्या भाषा यूज किया करते थे ठीक है एक और ऐसी ही सील मिली है जिसमें कि एक व्यक्ति है व्यक्ति के ऊपर सींग बने हुए हैं उसके चारों तरफ पशु हैं पशुओं को इस प्रकार से देखा गया है कयास लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय इंसान पशुपति नाथ की पूजा किया करता था हालांकि इस पर बहुत सारे विचारक बटे हुए हैं लेकिन जिस प्रकार से कई पशुओं को यहां पर इनके आसपास चक्कर काटते हुए दिखाया है इससे लेकर प्रिडिक्शन लगाए जाते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति इस तरह से पूजा जाता हो भगवान शिव के रूप में जिसको पशु मानते हो पशुपति नाथ भगवान शिव को माना जाता है बोले उस तरह के प्रमाण यहां पर मिलते हैं ठीक है इस तरह की कुछ लेखनी मिलती है जिसका प्रमाण अभी तक नहीं पता चला है कि ये लिखा क्या है बस मिल गया इसके आधार पर लग रहा है कि ये कोई कॉइन है या फिर सील है जो चल रही है जिसको ये लोग आपस में यूज करते हुए होंगे कुछ तस्वीरें भी यहां से खुदाई में मिली हैं जिसमें से डांसिंग गर्ल इंडिया के पास है और ये जो पुजारी जी की तस्वीर है पुजारी की जो मूर्ति है ये इस समय पाकिस्तान के पास है क्योंकि मैक्सिमम क्षेत्र मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये वाला जो क्षेत्र है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये वर्तमान पाकिस्तान में है तो डांसिंग गर्ल जो उस खुदाई में मिली है ये इंडिया में है ठीक है साहब तो इस प्रकार से यहां पर ऐसे ऐसे प्रमाण मिले तो अब सवाल बिना कि साहब खत्म कैसे हुए तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी किसी को भी कुछ नहीं पता है सब लोग केवल टप्पा मारते हैं पहला टप्पा मारा गया कि किसी ने बाहर से आक्रमण किया होगा ये एक थ्योरी है कुछ लोगों का कहना है क्लाइमेट चेंज हुआ होगा मतलब जलवायु परिवर्तन हुआ सब लोग उसके अंदर समा कुछ का कहना है कि आकाश से कोई उल्का पिंड आकर गिरा होगा एकदम पूरी धरती समाप्त हो गई डायनासोर के साथ साथ कुछ लोगों का कहना है कि साफ हो सकता है कि यहां पर इंडस रिवर में बहुत ज्यादा बाढ़ का पानी आ गया हो और उस बाढ़ के पानी के अंदर पूरा पूरा शहर दब गया हो इन तमाम कयासों के बीच में बहुत से ऐसे कयास निकल कर आते हैं कि भाई साहब कुछ भूकंप जैसी घटना हुई होगी जिससे घर मलबे में टूट गए और मलबे में टूट करके लोग उसके अंदर दब गए लेकिन उन्हीं में से एक कयास आज सुर्खी बना हुआ है और वो ये है कि उस समय कोई परमाणु बम फटा होगा और परमाणु बम फटा होगा किसने फाड़ा होगा नहीं पता क्लेम करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है हो सकता है एलियंस धरती पर आए हो और उन्होंने परमाणु बम फोड़ा हो पूरी की पूरी संतति को नष्ट करने के लिए लीजिए परमाणु बम डाला खत्म तो चार हजार साल पहले न्यूक्लियर वॉर हुई होगी और एलियंस ने आकर न्यूक्लियर बम डाला होगा इस प्रकार की एक थ्योरी है थ्योरी का मतलब कोई हाथ पैर नहीं है जैसे कोई कह रहा है कि भूकंप आया होगा कोई कह रहा है पानी बरस गया होगा कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है एक साथ इतनी सभ्यता कैसे खत्म हो सकती है इसका किसी को अंदाजा नहीं है भाई हो सकता है कि कुछ लोग भूकंप आता है तो सब लोग नहीं मरते बीमारी फैलती है तो भी सब लोग एक साथ हंड्रेड परसेंट कैसे पॉसिबल है और मिलती तो कोई ऐसा प्रमाण मिलता कि जिसमें आदमी तो बोले कुछ तो ऐसा हुआ था तो कुछ ऐसा हुआ था तो दो तीन घटनाएं धरती पर ऐसी हैं जिनका आज तक किसी को जवाब नहीं है जैसे कुछ लोगों का कहना है कि डायनासोर हुआ करते थे होते हैं मतलब प्रमाण मिलते हैं फॉसिल्स मिलते हैं डायनासोर के बकायदा और सिंधु घाटी सभ्यता में इंसान के प्रमाण मिलते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि अर्थ पर बहुत से उलका पिंड आकर गिरते रहते हैं तो हो सकता है कभी एक ऐसा उल्का पिंड आकर गिरा हो अर्थ के ऊपर जिससे पूरी धरती पर भयंकर भूकंप आया हो और कोई भी ना बचा हो हो सकता है सेलेस्टियल बॉडी कोई आकर टकराई हो और उसकी वजह से धरती और ऐसी बहुत सी एनिमेशन वाली मूवीज बनी हुई है कि कैसे डायनासोर खत्म हुए कैसे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई लेकिन इनमें से बोले एलियंस आए और उन्होंने परमाणु बम गिरा दिया ये एक नई थ्योरी है और बोले इस थ्योरी के पीछे आधार क्या है बोले जो डेड बॉडीज के स्केलेटन्स मिले हैं ना अभी भी जो स्केलेटन्स मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उनमें रेडियो एक्टिविटी है मतलब उनसे गामा एक्स अल्फा बीटा गामा प्रकार की जो रेडिएशन है वो निकल रही हैं और दूसरा इसके पीछे तर्क ये है कि इनको किसी जानवर ने क्यों नहीं खाया अगर कोई जानवर रहा होता तो खाता तो बोले जानवर ने क्यों नहीं खाया बोले ये दूसरी थ्योरी तो इस कारण से और ये विचार देने वाले व्यक्ति जिनको आप यहां पर देख रहे हैं इनका नाम बिली कार्लसन है जो कि अमेरिका के अंदर फॉरबिडन नॉलेज इस प्रकार की कंपनी चलाते हैं बेस्ट सेलर हैं हॉर्वर्ड से एंशियंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं इन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में इस प्रकार की थ्योरी को चर्चा में ला दिया खैर कोई नहीं जी हम तो यह मानते हैं कि यह भी एक थ्योरी है इस बहाने हमारा कुछ और हुआ या ना हुआ हमारा मोहन जोदाड़ो हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवाइज हो गया आप जाकर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा और आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो है ना ये बहुतों बार पूछे गए हैं कि मोहन के अंदर डांसिंग गर्ल मिली हड़प्पा के अंदर ग्रीनरी मिली लोथन के अंदर डॉकयार्ड मिला बनावली के अंदर टेराकोटा प्लग मिला तो मैच द कॉलम करके प्रश्न पहले आए हुए हैं जवाब हमने आपके सामने ऑप्शन बताइए किसी को कोई भी क्यूरोसिटी हो दिमाग में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ साझा करें सेशन में नए हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हां जैसा मैंने आपसे कहा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जैसे मैंने आज पॉलिटी का बहुत सारे टाइटल डिस्कस किए हिस्ट्री के टाइटल डिस्कस किए ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जो जीएस फाउंडेशन का बैच है आप लोगों के लिए मात्र 1499 में रिकॉर्डेड आप वहां से जाकर उसे पढ़ लें पूरी एक साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है ठीक है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है आप वहां से जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं और हमारे जो नोट्स हैं जैसे मान लीजिए कि राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं आर्टिकल इकहत्तर पिछहत्तर के बारे में मैं जब चर्चा कर रहा था तो वो सारी चीजें देखिए ये अपने हाथ से प्रॉपर नोट्स बना करके यहां पर लिखी है पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ठीक है ना आर्टिकल पिछहत्तर क्या कहता है ना भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के क्या जानकारी है आर्टिकल चौहत्तर क्या कहता है ये सारी जानकारियां हैंड रिटर्न नोट्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत आप इनको अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है ना बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं जैसे ये है ना ऐसे कुल मिलाकर के छः नोट्स हैं जैसे ये इकोनॉमिक्स का आप इकोनॉमिक्स के नोट्स देखिए इतने बेहतरीन नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए गए है। हैं इतने हैंड रिटन प्यार से लिखे हुए नोट्स हैं आप इनको घर पर मंगाएं मात्र वन ट्रिपल नाइन में छः किताबें हैं तीन हज़ार पेजेस से अधिक नोट्स हैं लेकिन पढ़ने में मज़ा आ जाएगा बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में लिखे हुए आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वही ये सारे नोट्स हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं ठीक है चलिए थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखें